गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सामूहिक परिचर्चा के दोष, यानी हमने लास्ट वीडियो में उनके बेनिफिट देखे थे कि कौन कौन से लाभ होते हैं सामूहिक परिचर्चा से। इस वीडियो में हम सामूहिक परिचर्चा की जो कमियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, साथ में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए सुझाव कि उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम जब कोई कार्य करते हैं, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे बेनिफिट्स भी होते हैं, और बेनिफिट्स के साथ साथ चाहे कितना भी अच्छा हम कार्य करें, चाहे कितनी भी अच्छी वो वस्तु हो या व्यक्ति में कितने ही अच्छे गुण हो, लेकिन सर्वगुण संपन्न हर चीज नहीं होती है। गुणों के साथ साथ, या हम कहें उनके बेनिफिट्स के साथ साथ, उनके अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं, कुछ लिमिटेशन होती हैं। उन्हीं चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि सामूहिक परिचर्चा के कौन कौन से दोष होते हैं, यानी कि कमियां होती हैं, और उनके लिए हमारे पास क्या सुझाव है, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है, जो इसकी कमी है वो सबसे पहला पॉइंट है, समय अधिक लगना। समय अधिक लगना, जो हमारी सामूहिक परिचर्चा होती है, सामूहिक परिचर्चा के लिए कहा जाता है कि पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना संभव नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम शैक्षिक आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वहां हमारा क्या काम आता है, पाठ्यक्रम। तो ये विधि है उसके माध्यम से, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का विस्तार कैसा होता है, बड़ा होता है। इसीलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करवाना इस विधि से संभव नहीं हो पाता है। तो शैक्षिक आधार पर हम देखें तो शैक्षिक आधार के लिए ये हमारी विधि ज्यादातर, क्योंकि कहते हैं ना कि पाठ्यक्रम को पूरा करना ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है जब हम किसी संस्था में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो। लेकिन इस विधि के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। हम इस प्रविधि के द्वारा कुछ प्रकरणों से संबंधित भिन्न भिन्न क्रियाएं तो करवा सकते हैं, लेकिन जो हमारा काफी समय इसमें लग जाता है, या साथ में कहें कि जिस तरह से अगर हम सामूहिक ग्रुप डिस्कशन का आयोजन करें प्रत्येक प्रकरण प्रत्येक टॉपिक के लिए, तो ये हम जान सकते हैं इस चीज के लिए कि हमारे इसके अंदर जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है। और जब बात पाठ्यक्रम को पूरा करने की आती है, तो पाठ्यक्रम को हम, ये तो है नहीं कि हम एक ही साथ उसे पूरा कर सकते हैं। और अगर हम उसका प्रकरणों का डिवाइडेशन करके जब हम उसे शुरू करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे समय की जो ड्यूरेशन होती है, समय पीरियड होता है, वो हमारा बढ़ जाता है। इसीलिए इसमें कहते हैं कि ये हमारे लिए पाठ्यक्रम के आधार पर अनुपयुक्त होती है, लेकिन फिर भी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं इस पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के लिए, तो प्रत्येक प्रकरण लेकर जब हम इस ग्रुप, हम जब इस टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, तो उसमें हमारा समय अधिक लगता है। तो प्रथम हमारा पॉइंट हो गया समय अधिक लगना। सेकंड है, सभी प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहीं, सभी प्रकरणों के लिए, सभी प्रकरणों के लिए, सभी प्रकरणों के लिए उपयुक्त उपयुक्त नहीं, ये हमारा इसका सेकंड टॉपिक है। इसमें केवल वो ही प्रकरण ले सकते हैं हम जिनका हम क्या कर सके, विचार दे सके। या मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो मैत्री, हमारी जो ग्रुप डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों की सहमति प्रदान करे या अपने विचार उसके लिए व्यक्त कर सके। तो इसमें कहते हैं कि विभिन्न दृष्टियों से जो विचार कर सकते हैं, केवल हम इसके अंदर सूचना देने वाले टॉपिक नहीं ले सकते, हम इसके अंदर उन टॉपिकों का समावेश करते हैं जिनके अंदर सूचना तो समाहित होती है, लेकिन उसे आगे हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं या हम उसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के विचारों का उस प्रकरण में समावेश करते हैं, तो हमें उसके अंदर चेंजेस करने की संभावना
भावनाएं होती हैं। तो सूचना जो हम दे रहे हैं तो वो सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए, प्रकरण ऐसा होना चाहिए जो हमारे विचारों को दृष्टिगत रखते हुए हम उस पर हम डिस्कशन कर सके, यानी कि टॉपिक ऐसा हो जिस पर डिस्कशन हो सके, विचार एक दूसरे के हम व्यक्त कर सके। हम केवल सूचना दे रहे हो ऐसे टॉपिकों का हम इसमें समावेश नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें सभी प्रकरणों का समावेश नहीं होता, ये इसकी सेकंड कमी होती है। थर्ड है इसका कमजोर छात्रों के लिए अनुपयुक्त, कमजोर छात्रों के लिए, कमजोर छात्रों के लिए, छात्रों के लिए अनुपयुक्त। ये जो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है इसमें क्या होता है, ये एक उच्च स्तर की, मैंने लास्ट में बताया था कि ये उच्च स्तर की मानसिक क्रिया है जिसमें चिंतन मनन बच्चे यानी सोचने की क्षमता का विकास होता है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अगर इसमें कोई कमजोर व्यक्ति कमजोर स्टूडेंट है तो वो अपनी उसके लिए ये विधि जो सामूहिक परिचर्चा विधि है ये अनुपयुक्त होती है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता जो चिंतन मनन करने की क्षमता का विकास कम होता है तो वो अपने विचारों को वहां पर नहीं बता सकता या विचार अपने व्यक्त नहीं कर सकता। साथ में हम देखें कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभावान बच्चे जो होते हैं, इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनको देखते हुए जो कमजोर बच्चे हैं वो अपने सोचने पर जोर ही नहीं देते। साथ में क्योंकि जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं और वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वीक जो स्टूडेंट होते हैं कमजोर स्टूडेंट वो हमारे प्रतिभावान बच्चे जो होते हैं इंटेलिजेंट उन्हीं बच्चों के पीछे छुप जाते हैं, या यहाँ कहा है कि वो अपने सोचने पर जोर नहीं देते क्योंकि वो इस तरह से समझते हैं कि इसका जो आंसर है वो हमारे ग्रुप में से दूसरा बच्चा दे देगा। तो इसके लिए कहते हैं कि ये जो कमजोर व्यक्ति कमजोर बच्चों के लिए होता है ये अनुपयुक्त होता है, क्योंकि ना तो वो तुरंत अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है क्योंकि उसकी जो सोचने की क्षमता है वो इंटेलिजेंट बच्चे के बराबर नहीं हो पाती, इसीलिए ये उच्च स्तर पर सोचने वाली जो मानसिक क्रिया पर आधारित होती है चिंतन मनन और तर्क आदि पर, तो कमजोर छात्र इन क्रियाओं से क्या करते हैं, ये सब क्रियाओं का करने में वो असमर्थ होते हैं, इसीलिए ये विधि हमारे कमजोर बच्चों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। फिर आता है प्रतिभावान छात्रों का प्रभुत्व, प्रतिभावान, प्रतिभावान छात्रों का प्रभुत्व, यानी कि उनका ज्यादा प्रभाव होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि कमजोर स्टूडेंटों के अंदर जहाँ जो उच्च सोचने की जो क्षमता है उसका विकास कम होता है, वही प्रतिभावान बच्चे जब अपने ग्रुप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि उनका वर्चस्व वहां पर ज्यादा होता है, उनका कहेगी उनका ही वर्चस्व वहां पर रहता है, अपना अधिकार वो वहां पर जमाने लगते हैं क्योंकि वो जिस तरीके से अपने उसके अंदर भागीदारी लेते हैं सामूहिक परिचर्चा में, इससे उनका प्रभुत्व वहां पर जमा हुआ दिखाई देता है, जिससे जो कमजोर बच्चे होते हैं वो अपने विचारों को उस तरीके से या कई अच्छे से वो बच्चे अपने विचारों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो सामूहिक परिचर्चा के लिए सबसे बड़ी कमी बताई जाती है कि यहाँ पर प्रतिभावान यानी कि इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनका अधिकार ज्यादा होता है, उनका प्रभुत्व वहां पर जमा हुआ दिखाई देता है। प्रतिभावान छात्र ही विचार विमर्श करके अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं, कारण यह है कि जो उनकी स्मृति होती है, उनकी स्मृति कैसी होती है, बहुत तीव्र होती है, अच्छी होती है, और इसके लिए इसके कारण उनकी जो स्मृति और उनके स्तर जो उनकी सोचने क्षमता का जो स्तर होता है वो बहुत ऊंचा होता है, इससे उनके जो बोलने की क्षमता होती है उनके जो शब्द भंडार होते हैं वो पर्याप्त होते हैं, जिसे वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जब वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वो आसानी से उस चीज का चिंतन और मनन करके उस चीज को आसानी से समझाते हैं, अपने विचारों को एक्सप्लेन करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, इससे क्या होता है उनका प्रभुत्व वहां पर जमा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो विधि है ये विधि हमारे प्रतिभावान छात्रों के लिए
होती है। फिर आता है हमारा जो हमारे कुशल शिक्षकों की कमी, कुशल शिक्षकों की कमी। सामूहिक परिचर्चा के लिए कहा जाता है कि शिक्षक का कार्य काफी मेहनत तथा कुशलता के लिए होता है, लेकिन जब एक अध्यक्ष बनाते हैं हम, उन्हीं में से बच्चों में से शिक्षक में से जब हम अध्यक्ष बनाते हैं तो अध्यक्ष के रूप में प्रकरण पर जब विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं, समय समय पर मार्गदर्शन देना होता है, समय समय पर उसके बारे में एक समरी प्रस्तुत करनी होती है, तो ये कार्य एक कुशल और परिश्रमी अध्यापक ही कर सकता है। इसीलिए जब हम इसे एक अध्यक्ष का चयन करते हैं तो वो कुशल शिक्षकों की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें उस कार्य की बागडोर संभालनी होती है ऐसे शिक्षकों की कमी दिखाई देती है। तो इसमें जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ, वो है कुशल शिक्षकों की कमी। अब आता है हमारा इसमें संसाधनों की कमी। जब हम इस परिचर्चा का आयोजन करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में जिस जगह हम इसका आयोजन कर रहे हैं, विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो हमें उसके लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। हम देखें कि अगर हम ग्रुप बना के बच्चों को बिठा रहे हैं तो पर्याप्त हमें जगह होनी चाहिए बैठाने की बच्चों को, साथ में फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, और उससे संबंधित जो अनेकों हमारे संसाधन होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी हमें पर्याप्त मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि विद्यालय में इन सभी चीजों की कमी दिखाई देती है, पूर्ण रूप से हम उन संसाधनों को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। तो इस जो विधि है इसका आयोजन करने के लिए कई बार इन संसाधनों की कमी भी दिखाई देती है। इसीलिए जब हम इस सामूहिक परिचर्चा का आयोजन करते हैं तो हमारे जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों का पूर्ण रूप से मिलना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। कई बार इन सभी चीजों का हमें अभाव होता है और जिससे क्या होता है, इस परिचर्चा का सही ढंग से आयोजन नहीं हो पाता है, या हम कहें कि इन संसाधनों की कमी हमारी इस विधि पर, इस परिचर्चा पर साफ तौर पर दिखाई देती है। तो संसाधनों की कमी ये भी हमारी एक परिचर्चा का एक इसमें एक बहुत बड़ी दोष होता है कि पूर्ण रूप से जब संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। अब देखते हैं हम इस प्रविधि के संबंध में, इस प्रविधि के विषय से संबंधित आपसी जो मतभेद होते हैं, आपसी मतभेद के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आपसी मतभेद के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब हम ग्रुप बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में इतने जो बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है 4 से 10 बच्चों का, उनमें आपस में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं मिल पाती है। इससे क्या होता है, या सामने वाले ग्रुप से नहीं मिल पाती है, वो अपने विचारों पर, यानी कि वो चाहते हैं कि जो हम इस प्रकरण से संबंधित बोल रहे हैं वो हम सही बोल रहे हैं, सामने वाले ग्रुप वाले ये सोचते हैं कि हमने जो बोला वो सही, तो यहाँ पर आपस में मतभेदों का एक टकराव वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसमें कहते हैं कि जब कई बार ऐसा विषय, ऐसा टॉपिक हमारा आ जाता है कि जिसमें आपस में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण एक विवादपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है, तो ये भी हमारी इस विधि का एक दोष होता है, क्योंकि ये स्थिति जब हम द्वीप करते हैं तो आपस में जो हम विचारों को व्यक्त करते हैं वो विचार कई बार न मिलने पर या ऐसे स्थिति, टकराव वाली स्थिति हमारे यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। साथ में जो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमजोर छात्रों को यहाँ पर इनका वर्चस्व कम होता है और प्रतिभावान छात्रों का जो प्रभुत्व वहाँ पर दिखाई देता है। साथ में ये एक आलोचनात्मक यानी कि रचनात्मक नहीं होता। इसमें कहा जाता है कि समूह के सदस्य पूर्व स्पर्धा के कारण आलोचनात्मक और रचनात्मक नहीं होती, ये भी इसके दोष है। अब हम देखते हैं
सुझाव, कि इसके लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं। हम सुझाव में देखें तो सबसे पहला जो इसका सुझाव है वाद विवाद का, वो है कि विषय में पारंगत कौन शिक्षक, विषय में पारंगत व्यक्ति का चयन, यानी कि जो जिस विषय के बारे में जान रहा है, इस सामूहिक परिचर्चा के बारे में समझता हो, जानते हो, जिसने इस चीज का आयोजन किया हो, हमें ऐसे ही व्यक्ति का इसके अंदर चयन करना चाहिए। क्योंकि जब इसका चयन वो करेंगे और ऐसा व्यक्ति होंगे तो उस कार्य को संभालने में, अनुशासित रखने में, या एक्सपीरियंस कहते हैं ना, अनुभव के तौर पर, अनुभव से हम प्रत्येक कार्य को अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब उन्हें अनुभव होगा तो जो विधि, जिस विधि के द्वारा हम जिस चीज का आयोजन कर रहे हैं वो हमारी एक अच्छे से संपन्न हो सकेगी। सेकंड हम देखें इसमें, सेकंड जो हमारा फर्स्ट हो गया हमारा विषय पारंगत व्यक्ति का चयन, सेकंड है हमारा जो अध्यक्ष सहित हम जो समूह और जो सदस्य, यानी कि बैठने की उचित व्यवस्था, बैठने की उचित व्यवस्था, यानी कि जब हम इस विधि का आयोजन करेंगे तो इसमें सबसे पहले कौन सी चीज होती है, बैठने की व्यवस्था, यानी कि हमारी जो बैठने की व्यवस्था है वह कैसी होनी चाहिए, जिसमें सभी समूह को हम अच्छे से बिठा सके, आने वाले गेस्ट उसमें हम अध्यक्ष बना रहे हैं वो, यानी कि उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिस विधि का हम आयोजन कर रहे हैं उसके लिए हमें जितनी जगह चाहिए होती है और जिस तरह से हम बच्चों को बिठाते हैं वो बैठने की हमारी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो हम इस चीज का आयोजन जो कर रहे हैं वो ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगी। फिर आता है समूह के सदस्यों का सार्थक तथा रचनात्मक अच्छे सुझावों को बढ़ावा देना, अच्छे सुझावों का रचनात्मक या अच्छे सुझावों को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसे सुझाव हमारे सामने आए जो बच्चों में क्रिएटिविटी लाए, साथ में उन सुझावों से हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें और अच्छा या हम कहें परिवर्तन कर सके। तो जो भी जो प्रकरण हम लेते हैं उससे संबंधित हमारे जो भी अच्छे सुझाव होते हैं उन सभी सुझावों को हमें अपनाना चाहिए। ये हमारे इसकी सुझाव में थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इस प्रविधि का आयोजन उचित प्रकार से करना चाहिए जिसके देखने में एक उच्च स्तर प्रतीत हो, यानी कि ऐसे उनको ऐसे इस प्रविधि का आयोजन करना चाहिए जो देखने में ही हमें उच्च स्तर की लगे, उच्च स्तर पर दिखाई दे। ऐसे हमारे इसमें विषय, टॉपिक, समस्याओं का चयन करना चाहिए जो कि, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे सामूहिक परिचर्चा है ये एक उच्च स्तर का शिक्षण है, तो उच्च स्तर की शिक्षण विधि है, तो इसीलिए हमें इसके अंदर जो टॉपिकों का चयन करें वो टॉपिक हमें ऐसे दिखाई देने चाहिए कि उनका लेवल हाई हो, यानी कि हमें केवल ऐसे टॉपिक नहीं लेने चाहिए जिनका कि इस विधि से ये कहा जा सके कि ये टॉपिक हमने ऐसे लिए हैं जिसके लिए यह विधि पर्याप्त नहीं है, यानी हमें ऐसे विषय, प्रकरण और समस्याओं का चयन करना चाहिए जो इस विधि के लायक हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सामूहिक परिचर्चा की विधि के दोष, कमी और साथ में उसके लिए कौन कौन से सुझाव हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया है। हमने देखा है दोष में मैंने बताया समय अधिक लगना, सेकंड था सभी प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहीं, थर्ड है कमजोर छात्रों के लिए अनुपयुक्त, फोर्थ था प्रतिभावान छात्रों का प्रभुत्व, फिफ्थ था कुशल शिक्षकों की कमी, संसाधनों की कमी और आपसी मतभेद के कारण हमारे विवाद की स्थिति उत्पन्न होना। फिर हमने इसके लिए सुझाव किए किसके कौन कौन से सुझाव होते हैं, सुझाव में है थे हमारे विषय पारंगत व्यक्ति का चयन करना चाहिए, बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जब हम इस विधि का आयोजन करें तो, और साथ में रचनात्मक या अच्छे जो सुझाव होते हैं उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए, उनका इस विधि में समाहित करना चाहिए जिससे कि हम उसमें अच्छा
परिवर्तन ला सके या हम उस कार्य को अच्छे से संपन्न कर सके। साथ में ये विधि जब हम जिस टॉपिक जिस समस्या को लें तो वो टॉपिक हमें ऐसा दिखाई देना चाहिए कि वो उच्च स्तर का है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सामूहिक परिचर्चा के दोष व सुझाव। धन्यवाद।